क्या मिला भाई? के बजाय इस पर जहाज का रस्सी बांधा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नाबालिग लड़के पर शिवलिंग का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। आरोप है कि लड़के ने सोशल मीडिया पर शिवलिंग का मजाक उड़ाया है। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस लड़के ने सोशल मीडिया पर एक अन्य युवक के पोस्ट को शेयर किया था और कैप्शन में लिखा था, मिल गया। इस वीडियो में शिवलिंग का मजाक उड़ाते दिखाया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है। उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने कहा, कपड़ा दुकान पर काम करने वाले लड़के ने जो पोस्ट साझा की थी सोशल मीडिया पर, वो एक आपत्तिजनक है और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है, जिसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है, उसे न्यायालय पेश किया जाएगा। साथ ही आमजन से अपील की जाती है कि ऐसे धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली व आपत्तिजनक पोस्ट से बचें, किसी के बहकावे अफवाह में ना आए। अगर कोई भी शख्स इस प्रकार की वीडियो या मैसेज ग्रुप में भेजता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताते हुए कहा कि कपड़ा दुकान पर काम करने वाले लड़के ने जो पोस्ट साझा की थी सोशल मीडिया पर, वो एक आपत्तिजनक है और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है। देखिए, एक युवक है जो बोलते हैं किसी एक कपड़े के दुकान पे काम करता है, उसने कुछ इस तरह का वायरल किया था जिसको लेकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हमने उसको तुरंत ही उसके खिलाफ कार्रवाई की और उसको राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। हमारी पूरी नज़र सोशल मीडिया पर, हमारी टीमें जो है ITSL की टीमें उस पर काम कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय स्तर से भी और सीनियर लेवल पर भी सबकी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं भी कोई विघ्न संतोषी तत्व अगर किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके फिराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक कल बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के निर्देश पर शिवलिंग नुमा साक्ष्य मिलने के बाद से ही हिंदू व मुस्लिम पक्ष के अपने अपने मत सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है तो हिंदू पक्ष साक्षात शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर भी असामाजिक तत्व धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से आपत्तिजनक पोस्ट में लगे हैं। उज्जैन से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। क्या मिला भाई? के बजाय इस पर जहाज का रस्सी बांधा जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।